एक ऐसी रेसिपी बनाएंगे आज जो तेल भी कम लगेगा और खाने में स्वादिष्ट भी लगेगा और समय भी कम लगेगा। तो चलिए इसके लिए क्या करते हैं, देखिए। सबसे पहले प्याज लहसुन अदरक का पेस्ट बनाएंगे। मसाला तैयार कर लेते हैं। धनिया पाउडर, मिर्चा पाउडर, हल्दी, पानी मिला करके थोड़ा देर छोड़ देंगे। एक बाउल पत्ता गोभी, आधा बाउल से थोड़ा सा ज़्यादा शिमला मिर्च, थोड़ा प्याज डालेंगे, बेसन, नमक स्वाद के अनुसार, मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा प्याज लहसुन का पेस्ट। सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा बेसन और लगेगा। इसमें थोड़ा भी पानी नहीं दिए हैं, बिना पानी का है, क्योंकि प्याज पानी छोड़ता है। पानी में जब उबाल आ जाए तो इसमें थोड़ा थोड़ा पकौड़ी की तरह डाल देंगे। सब्जी बहुत टेस्टी बनती है। देखिए, जब तक ये उबल रहा है तब तक मसाला तैयार कर लेते हैं। एकदम थोड़ा सा तेल डालेंगे, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा जीरा डालेंगे, एक तेज पत्ता। अब ये पेस्ट, प्याज लहसुन वाला पेस्ट डाल देंगे। इसको निकाल लेते हैं। थोड़ा ज़्यादा उबल गया है, आप इसे थोड़ा कम उबालिएगा। मसाले का जो घोल तैयार किए थे ये इसमें डाल देते हैं। इसको थोड़ा मसाले को भूंजेंगे। हम तो जब भी कोई रेसिपी बनाते हैं बहुत कम तेल मसाले में बनाते हैं, जो हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। आप लोग हमारे वीडियो को देखा करिए, पसंद आए तो लाइक भी कीजिए। अगर नए हैं हमारे चैनल पर तो उसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ये जो पानी बचा हुआ है यही सब्जी में हम डालेंगे, इसे फेंकना नहीं है, इसमें सारा डाल देंगे। नमक स्वाद के अनुसार डालेंगे, गरम मसाला, थोड़ा मीट मसाला डालेंगे। आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो वहाँ फॉलो कर लीजिएगा प्लीज़। अब ये सारा इसमें डाल देंगे। कम तेल वाली हमारी सब्जी बनकर के तैयार है। अब बनाइए, खाइए, और आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। नमस्ते, थैंक यू।